तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आज इंडिया बिजनेस न्यूज़ की तरफ से फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो अगरबत्ती बिजनेस वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं, अगरबत्ती आप डिपिंग करते हैं, परफ्यूम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर बहुत लोगों के पास ये दिक्कत आता है, बहुत लोग इस बात का कंप्लेन करते हैं कि हमारे अगरबत्ती में जो परफ्यूम जो है वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, अच्छे से परफ्यूम हो नहीं पाता है, परफ्यूम करने का तरीका उनको सही से नहीं पता है। तो इस वीडियो में जो है उन लोगों को हम परफ्यूम करने का तरीका बताएंगे, किस तरह से वो परफ्यूम कर सकते हैं और अगरबत्ती परफ्यूम किस तरह से करना चाहिए। जो ओरिजिनल तरीका है, ओरिजिनल ढंग जो है वो अगरबत्ती को परफ्यूम करने का, हम ओरिजिनल मेथड आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और खुद करके दिखाएंगे। हम वैसे ही करते हैं और मेरा मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आपको भी हम वो सीक्रेट जो है इसके पीछे रीजन क्या होता है परफ्यूम नहीं चढ़ने का, या फिर ज़्यादा समय तक आपके अगरबत्ती में परफ्यूम नहीं रहने का, तो इस वीडियो में हम परफ्यूम कैसे करते हैं इस सीक्रेट को आपको हम बताएंगे कि कौन सा सीक्रेट है जिससे आपके अगरबत्ती में परफ्यूम जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला अपकमिंग वीडियो जो है वो आपके पास टाइम से पहुंच सके। और जो है मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो बस एक लाइक कर दो, प्लीज़ एक लाइक कर दो यार। और चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं। अपने बिजनेस का सीक्रेट जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस इसके लिए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो या ना करो, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अगरबत्ती जो परफ्यूम होता है वो किस तरह से होता है, क्या उसका सीक्रेट है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अगरबत्ती परफ्यूम करने का तरीका जो है बेस्ट तरीका है, जैसे परफ्यूम किया जाता है तो अगरबत्ती में परफ्यूम अच्छा चढ़े, तो उसको आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे जो है परफ्यूम मिला के हमने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखिए इसमें परफ्यूम जो है वो हमने मिला लिया है। परफ्यूम कैसे मिलाते हैं और कितना डीपी में कितना परफ्यूम मिलाते हैं इसका वीडियो हम पहले अलग से बनाएंगे। इसमें आपको दिखाते हैं कि अगरबत्ती को जो परफ्यूम आपको करना है वो कैसे करना है, ताकि आपका अगरबत्ती जो है वो सेंटेड हो, खुशबूदार हो। तो देखिए यहाँ पर रॉ अगरबत्ती जो है स्टैंड में रखा गया है और यहाँ पे परफ्यूम मिला के जो है रखा गया है। अब इसमें जो है अगरबत्ती को हम परफ्यूम करते हैं। देखिए कैसे डिपिंग किया जाता है, देखिए उल्टा साइड से अगरबत्ती को पकड़ना है और पकड़ के इसमें अच्छे से परफ्यूम में जो है अंदर डुबो के या फिर इसे निकाल लेना है। थोड़ा देर तक उल्टा रखना है ताकि जितना सारा परफ्यूम है अंदर से वो परफ्यूम सब आपका नुकसान ना हो, फिर ऐसे बाल्टी में वापस से इकट्ठा हो जाए आपका परफ्यूम सब एक जगह। और फिर इसको हम वहाँ पर एक बॉकेट में रखेंगे। यहाँ पे देखिए इतना सारा अगरबत्ती है, देख सकते हैं आप अगरबत्ती। यहाँ पे मेरी अगरबत्ती का क्वालिटी भी देख सकते हैं, एकदम बेस्ट क्वालिटी का अगरबत्ती जो है यहाँ पे मिलता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं डीपिंग होने के बाद जो है, देखिए अगरबत्ती का कलर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्राउन दिख रहा है, लेकिन वहीं जब डीपिंग हो जा रहा है तो आप अगरबत्ती का कलर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही उल्टा करके जो है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा जो परफ्यूम है वो इस बॉकेट में जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, आपका परफ्यूम जो है थोड़ा सा भी नुकसान ना हो, थोड़ा सा भी वेस्ट ना जाए। इसके लिए यहाँ पे जितना भी अगरबत्ती परफ्यूम होगा वो सबको जो है हम यहाँ पे ले आके रखेंगे। देखिए अगरबत्ती डीपिंग करने से यही फायदा होता है कि आपका अगरबत्ती का जो कलर है वो देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये अगरबत्ती जो है वो ओरिजिनल अगरबत्ती है, ओरिजिनल कलर है अगरबत्ती का। में अच्छे से डुबाया जाता है पूरा, आप देख सकते हैं अगरबत्ती को पूरा डुबो दिया जाता है परफ्यूम के अंदर, ताकि अगरबत्ती जो है वो सेंटेड बने, खुशबूदार बने, जलने के बाद इससे खुशबू आए, आपका मार्केट जो है इससे अच्छा रहेगा। क्योंकि अगरबत्ती में मेन क्वालिटी जो है अगरबत्ती का वो डिपेंड करता है उसके परफ्यूम पे, उसके खुशबू पे। अगर आपका अगरबत्ती अगर खुशबूदार होता है तो आपका अगरबत्ती जो है वो मार्केट में अच्छा चलेगा। तो आपका अगरबत्ती का जो मेन जो क्वालिटी का जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आपसे करने से इस तरह से अगर अगरबत्ती आप डीप करते हैं, इस तरह से अगरबत्ती अगर आप परफ्यूम करते हैं, तो आपका जो है अगरबत्ती वो बहुत ही अच्छा होगा और मार्केट में आप अच्छा से अपना मार्केटिंग कर पाएंगे, आपका मार्केट अच्छा रहेगा। ये जो है यहाँ पर हम 10-15 मिनट के लिए सारे अगरबत्ती को यहाँ पर रखेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा परफ्यूम होगा वो नीचे के तरफ तली में बैठ जाएगा। उसके बाद से अगरबत्ती को क्या करेंगे कि उठा के उधर साइड में रखेंगे, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए फिर आपको पता चलेगा।
अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तली में देख पा रहे होंगे, जितना भी एक्स्ट्रा परफ्यूम होगा वो जो है नीचे जाके बैठ गया है। अगरबत्ती आपका धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह परफ्यूम जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया। अब अगरबत्ती को जो है यहाँ से उठा के और उधर साइड में जो है, ये जो है हमने पन्नी पहले से डाल रखा है, आपको भी इसे पन्नी डाल देना है। डालने के बाद जितना अगरबत्ती जो है, जैसे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, आप देखिए एक जगह अच्छा से अगरबत्ती को पूरा स्टोर किया जाएगा। ये परफ्यूम करने के बाद ये प्रक्रिया है जिससे आपका अगरबत्ती जो है वो बहुत ही सुगंधित होगा। देखिए परफ्यूम करने के, आपको हवा वाले रूम में या फिर खुले जगह पर इसको नहीं रखना है, आपको जो है इसको बंद जगह पर इसको रखना है, और जो है वो धूप में भी इसको नहीं रखना है। वापस से जितना भी बकेट में जो परफ्यूम था वो हमने इसे अंदर यहाँ पे बाल्टी में फिर से पलट लिया है। अब यहाँ पे आप हमारा जो एक्स्ट्रा परफ्यूम था वो फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से अगरबत्ती परफ्यूम होगा। और वहाँ पे जो है देखिए, आप दीवार के पास जो है हम सबको पन्नी के सहारे जो है उसे वहीं पे एक तरह से अच्छा से उसको स्टोर करके हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे परफ्यूम का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट है, परफ्यूम हो रहा है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं बॉकेट में जितना सारा स्टैंड में अगरबत्ती रखा गया है, ये सारा का सारा परफ्यूम होगा और वहाँ पे जो है वो रखा जाएगा। फाइनली देखिए, अब हमने सारा अगरबत्ती जो है परफ्यूम कर लिया जितना करना था, पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हमने बताया था यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 24 घंटा के लिए अब इसको क्या करेंगे कि पन्नी से ढक के इसको चारों तरफ से बंद करके हवा से संपर्क मतलब इसका ख़त्म कर देना है। देखिए जैसे दिखाया जा रहा है वीडियो में, इस तरह से इसको पूरा तरह से चारों तरफ से बिल्कुल ही बंद कर देना है, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। इस तरह से जो है वो हम चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे और जो है इसको पूरा तरह से ढक के और इसको ऐसे दाब देंगे कि फिर यहाँ से कहीं से खुले ना, और हवा का संपर्क जो है वो हर तरह से इसका ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कहीं से भी हमने खुला नहीं छोड़ा है, इसको पैक करके छोड़ दिया। ऐसे ही ये 24 घंटा के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि परफ्यूम जो है अगरबत्ती के अंदर अच्छा से चढ़ जाए, अच्छा से सेट हो जाए उसके अंदर। तो इसके लिए इसको 24 घंटा छोड़ेंगे। तो ये रहा अगरबत्ती परफ्यूम करने का पूरा जानकारी, इस वीडियो में आपने लिया है कैसे अगरबत्ती परफ्यूम करना है। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।